मंत्री को देने के लिए काम किया। उसके पीछे भी नरेंद्र मोदी से मेरे व्यक्तिगत संबंध युवावस्था से है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध अलग है। मेरे लिए सबसे पहले मेरा जो धर्म है वो राष्ट्र धर्म है। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे वादा किया था कि मैं आपको हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करूंगा, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने में मदद करूंगा, रामराज बनाने में मदद करूंगा, लेकिन अब तक चूँकि वो खामोश है, अब तक मैं किंग मेकर रहा। मैं इंदिरा गांधी से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक मैंने प्रधानमंत्री बनाए पर्दे के पीछे मैं खेल खेलता रहा, राजनीतिक खेल खेलता रहा। मैं उन अखाड़ों को मैं अखाड़ा नहीं समझता जो हिंदू राष्ट्र बनाने के काम नहीं आए। सिर्फ पद पर बैठने के लिए अखाड़ाबाजी मुझे पसंद नहीं है। ये गली गली में ये स्वयंभू शंकराचार्य बनते फिर रहे हैं, ऐसे शंकराचार्यों की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको वो लोग चाहिए, ये गली स्वयंभू शंकराचार्य नहीं चाहिए, ये ऐसे अखाड़े नहीं चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसे संत चाहिए जो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए मेरी तरह जुझारू हों, तन मन धन से संघर्ष करें। निश्चित रूप से आने वाले समय में गृहयुद्ध होने वाला है, मैं इसकी घोषणा करता हूँ, गृहयुद्ध होगा। गृहयुद्ध में हमारे हिंदुओं की तैयारी नहीं है, लेकिन मैंने तैयारी कर रखी है। मेरी ओम जी हिंदू सेना अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण है। चाहे हिंदू अपने घर से चाकू लेकर के भी ना निकलें, लेकिन मेरी सेना निकलेगी और हम फिर भी जीतेंगे। और हम यहाँ पे इस गृहयुद्ध में भी जीत करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सरकार प्यार से बनाने देगी तो ठीक है, वरना हम युद्ध जीत करके बनाएंगे। आतंकवादियों का दुश्मन हूँ। सलमान खान को भी मेरी तो पर्सनल एनिमी नहीं थी उसके साथ में। सलमान खान को भी मैंने सिर्फ इसीलिए पीटा था, हालांकि मैं उसका विरोधी था शुरू से, क्योंकि जिस वक्त उसने ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारा था तो एक तरफ तो बात करता था नारी सम्मान की, दूसरी तरफ वो ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मार करके हीरो बनना चाहता था। तो तब भी मैंने रैली निकाली थी। बिग बॉस शो शुरू होने से पहले जब उसने पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन किया तो सबसे पहले मैंने जंतर मंतर पर रैली निकाली थी उसके खिलाफ। उसके बाद राज ठाकरे ने बॉम्बे में निकाली थी, तो मैं विरोधी रहा, लेकिन वहाँ पर नहीं होते। जिस दिन मैंने उसको मारा 30 दिसंबर 2016 को, उस दिन भी उसने जब मेरे देश के खिलाफ बात की, जब उसने आतंकवादी संगठनों का नाम लिया और जब उसने ये कहा कि आपके दारा सेना से आपके ओम की हिंदू सेना से ज़्यादा खतरनाक मैं खुद हूँ, क्योंकि अजहर मसूद का, दाऊद इब्राहिम का, हाफिज सईद का, इन लोगों का जो संगठन है उसका असली चलाने वाला इंडिया में मैं ही हूँ, मैं हूँ उसका हैंडलर हूँ, मैं ही उसका मॉड्यूल हूँ, और इसको तो हम इस देश को इस्लामिस्तान हम बना करके रहेंगे, और दूसरी तरफ हमारे कुछ CIA के संगठन के लोग हैं जिनके माध्यम से आधा हम इस्लामिस्तान बनाएंगे, आधा ईसाई देश बनाएंगे। तो मैं क्योंकि भारत माता का बेटा हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर ये देखते हुए कि उसका शरीर मेरे से भारी था, उसके बावजूद भी अनकंट्रोल क्रोध में मैंने उसको घसीट लिया और फिर उसको मारा। उसकी जितनी दबंगगिरी थी, उसकी जितनी सुल्तानगिरी थी, सब मैंने उसके अंदर घुसेड़ दी। और उस बात को इसने अभी ट्यूबलाइट फिल्म में भी उसने अभी साबित किया है। ट्यूबलाइट फिल्म के प्रमोशन में उसने जो बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसने पहला लफ्ज ये कहा कि हिंदुस्तानी सैनिकों को भले ही पाकिस्तानी सैनिक मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उससे गले मिले, दोस्ती करें। भाई वो मेरे सैनिकों का सिर काटता रहेगा और मैं उसका गला मिलता रहूँगा। सीधा मतलब ये है कि आप उसके एजेंट हैं, तो पता भी है कि ISI एजेंट है, उसी बात पर मेरे वाला भी था, तो वो उस बयान को उसने सच साबित कर दिया। आप ये देखिए, उसी सलमान खान ने सलाह करने से मुझे ये कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर तब तक फिल्म रिलीज नहीं कर सकता जब तक मुझे 100 करोड़ ना पहुँचाए, और उस 100 करोड़ में से 50 करोड़ मैं, तो 50 करोड़ मैं दाऊद इब्राहिम को मैं देता हूँ। आपको मालूम होगा कि पिछले बार मेरे ऊपर में हमला हुआ दिल्ली में, उसका सबसे बड़ा सूत्रधार दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इब्राहिम ने 1 करोड़ रुपया सलमान खान के पास में भेजा अपने भाई इकबाल कासकर के हाथों, और वहाँ पर गौडसे फिल्म का जो प्रोड्यूसर है संतोष, उसको उसमें से 50 लाख रुपये दिए गए। उसके बाद सारी प्लानिंग तैयार हुई।